भूतिया कार। राम, श्याम और राशि तीनों अच्छे दोस्त थे। राम, श्याम, चलो ना, हम तालाब के किनारे खेलने जाते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। अरे, ये किसकी कार है? आओ, अंदर बैठकर देखते हैं। पर हमें तो कार के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें कौन सी कार चलानी है? बस बैठकर ही तो देखना है और कुछ देर खेलते हैं, ठीक है? देखो अगर दरवाजा खोल पाओ तो। अरे ये तो खुल गया, आ जाओ। देखो मैं कार चला रहा हूँ। अरे राम, ये क्या हो गया? कार कैसे स्टार्ट हो गई? कहीं तुमने गलती से कोई बटन तो नहीं प्रेस कर दिया? बटन प्रेस करने से थोड़ी ना गाड़ी स्टार्ट होती है। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। रुक जाओ कार, रुक जाओ। पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कितनी तेज चल रही है ये कार। अरे कोई तो रोको इसे। मुझे डर लग रहा है, रुक जाओ। डर तो मुझे भी लग रहा है। मुझे भी। ये कौन सी जगह है? हम घर से बहुत दूर आ गए हैं। हाँ, रुक गई कार। चलो निकलो बाहर। आसपास तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना कोई घर ना लोग। चलो हम घर वापस चलते हैं। पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई और हम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए। अब चलो जल्दी से वापस घर चलते हैं। यहाँ पर कोई तो आवाज आ रही है, शायद ये आवाज इस झोपड़े से आ रही है। हाँ, लेकिन और कोई मुसीबत लेने से अच्छा है हम अपने घर चलते हैं। तुम सही कह रही हो राशि। अरे झाँक कर ही तो देखना है, कुछ गड़बड़ हो गई तो छुप छुप कर वापस घर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलते हैं। बिल्कुल भी आवाज नहीं करना। छुपने के लिए यह आसपास कोई भी घर नहीं है, बस यही एक छोटी सी झोपड़ी है। वो आदमी वहाँ क्या कर रहा है? और उस छोटी सी बच्ची को उसने उस बोरी में क्यों डाला है? एकदम धीरे से बोलो, उसे शक हो जाएगा। कुछ देर यहीं रुकते हैं, शायद वो कहीं जा रहा है। तब तक हम लोग यहीं इंतजार करते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगा हम तुरंत झोपड़ी के पास चले जाएंगे, वरना वो हमें देख लेगा। देखना कोई लाठी मिले तो उठा लो अपनी सुरक्षा के लिए। हाँ, मैंने तो उठा ली है। मुझे ऐसा लगता है हमें वो बोरी खोल के देखना चाहिए। वो अब तक बहुत दूर नहीं गया है, इसलिए हम दरवाजा नहीं खोल सकते। वो कभी भी वापस आ सकता है। श्याम, तुम बाहर ही रुको, हम दोनों अंदर जाके देखते हैं। अगर तुम्हें जरा सा भी शक हो तो हमें इशारा कर देना। ठीक है, बोरी को जल्दी से खोल दो। अरे, इस छोटी सी बच्ची का तो मुंह बांध दिया है। बेचारी, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई? मैं गुड़िया हूँ। मैं ना अपने पापा के साथ घर वापस जा रही थी। रास्ते में हमारी गाड़ी अचानक से खराब हो गई और एक पेड़ से टकरा गई। पापा को बहुत चोट लगी और ये मुझे उठा ले आया। देखो, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। पहले एक काम करते हैं, यहाँ आसपास जो कुछ भी दिखे वो इस बोरी में भर देते हैं और बोरी को फिर से बांध देते हैं। उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। राशि, इसे लेकर गाड़ी में बैठो। राम, तुम वो रस्सी उठा लो। जब वो बोरी खोलना शुरू करेगा हम उसे बांध देंगे, ताकि वो फिर से किसी को ऐसे परेशान ना करे। हाँ, सही कहा। हम अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं,
वो किसी भी वक्त यहाँ वापस आ सकता है। चलो छुप जाते हैं। अभी जाकर ये बोरी पहुँचा कर आता हूँ। लेकिन ये बोरी इस तरह क्यों दिख रही है? मैं अभी खोल के देखता हूँ। छोड़ दो मुझे। किसके बनो, इसे भी बोरी में भर देते हैं। चलो। ये गाड़ी तो मेरे पापा की है, लेकिन पापा कहाँ है? मुझे नहीं पता। हम इस गाड़ी में बैठ जाते हैं। तुम दोनों जल्दी अंदर आ जाओ। ये देखो, कार फिर से शुरू हो गई। मुझे लगता है इस कार में जरूर कोई अनोखी बात है। भूतिया कार। हम तो वापस तालाब के पास ही जा रहे हैं। गुड़िया, तुम्हारा घर कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। तुम किसके साथ रहती थी? मैं तो अपने पापा के साथ ही रहती थी। तुम्हारा और कोई रिश्तेदार है? मुझे नहीं पता, मैं बचपन से ही अपने पापा के साथ रहती थी। अचानक कार से आवाज आई। बच्चों, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कर देना, तुम लोग खेलने के लिए इस कार में बैठे थे और मैं तुम्हें वहाँ लेकर चला गया जहाँ पर मेरी बेटी किसी के हाथों में फंस गई थी। आप कौन हो? मैं गुड़िया का पापा हूँ। तुम लोग उसे छुड़ाकर यहाँ सुरक्षित ले आए, इसके लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं था, लेकिन अब मैं भी इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी बेटी बिल्कुल अकेली हो गई है। आप फिक्र मत करना, हम उसका ख्याल रखेंगे। वो हमारे साथ रहेगी। मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। पापा, क्या आप वापस कभी नहीं आओगे? बेटा, मैं तो तुम्हारे दिल में ही हूँ। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। ये तुम्हारे दोस्त भी हैं और तुम्हारे भाई बहन भी यही हैं। आज से इनके साथ खुशी से रहना। मैं दूर से तुम्हें देखता रहूँगा। जब भी तुम इस कार में बैठोगे, तुम मुझे सुन पाओगे। जहाँ भी जाना चाहोगे तुम लोग जा सकते हो। आज से ये कार तुम सबकी है। मजेदार हिंदी कहानियाँ और मोरल स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अल्ट्रा किड्स और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।